उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के बाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान तेज हो गया है। रविवार को भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार और भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 2019 के चुनाव को संदर्भ को ही लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि परिणाम पिछला जो चुनाव रहा है उससे कम नहीं रहेगा, उससे एक दूसरे क्या भी रहेगा। यूपी में जो गठबंधन हुआ उससे कुछ भाजपा को नुकसान है, किस तरह की जो हानि की? हमें ये बात सही है कि हम लड़ाई 51% की लड़ रहे हैं और उसी के आधार पर हम चुनाव की व्यवस्था में आगे चल रहे हैं। इसका कोई असर नहीं पड़ेगी और तब देश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती हो जाती है। कह सकते हैं कि विपक्षियों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला वो अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए वे सब इकट्ठे होना चाहते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है। पर हर राज्य का समीकरण अलग है। हम इतना ही कह सकते हैं कि विपक्ष अपनी इसी रणनीति में चलता रहे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति देशवासियों के मन में एक पूरा भरोसा है और वो मोदी जी पर विश्वास करते हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले चुनाव के बाद कि मोदी बनाम सब है और देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करती है और फिर से देश को मोदी जी के हवाले कर रहा है।